एमपी के हरदा में भाजपा नेता हीरालाल पटेल के घर 50 लाख के सोने के आभूषणों और 25,000 नगद की डकैती, पुत्र और पुत्र वधू को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर 5 बदमाशों ने हाथ पैर और मुंह पर कपड़ा बांधकर अलमारी में से जेवरात लेकर फरार हो गए। जिले के छीपाबड़ थाना क्षेत्र के ग्राम खमलाय में रात्रि 2:30 की घटना बताई जा रही है, जहाँ भाजपा नेता हीरालाल पटेल के घर 50 लाख रुपए के सोने के आभूषणों की डकैती हो गई और 5 लोगों ने पीछे के रास्ते से आकर लोहे की रॉड से गेट खोला और पूर्व सरपंच के पुत्र आदित्य और पत्नी घर में सो रहे थे, जिन्हें बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया गया और बदमाश भाग निकले। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ग्राम में लगे कैमरों की डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम आदित्य विष्णु है। ये घटना कब की है? यह घटना कल रात 2 बजे की है। कितने लोग थे लगभग? लगभग 5 लोगों थे ये, और मैं रात को सो रहा था। रात में 2 बजे ये मेरा घर में घुसे 5 लोग, संगीत लोगों। इनने मेरा घर के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा, इनने तोड़ते से अंदर 5 लोग अंदर घुसे। मैं और मेरी घरवाली सो रहे थे, इनने मेरे ऊपर हथियार बंदूक से इनने मेरे ऊपर हमला किया। कमलाय में कल देर रात को सूचना मिली थी कि यहाँ पर 5 लोग घर में घुसकर सामान ले गए। लगभग सुबह 3-4 बजे के आसपास सूचना मिली, उस पर पूरे पुलिस बल के साथ यहाँ पर जो उपस्थित है, इस संबंध में सारी जांच की जा रही है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।